हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बन और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। जी हां, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। आज तबीयत थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मैं ये वीडियो में देखूंगा कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बाद हम लोग यूनिवर्स मैसेजेस को भी देखेंगे एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फॉलो कर रहे हो चैनल को बट सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर भूल गए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक प्लीज़ करिए। सो लेट्स जस्ट सी कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। अभी एक चीज़ देखिए, जनरल रीडिंग हो रहा है तो आप लोग शायद सोच सकते हो कि भैया क्या मैं इस रीडिंग को अपना रीडिंग मान सकता हूँ। जी हाँ, ज़रूर मान सकते हो। बट क्या होता है ना, ये तो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है, तो हर फ्रीक्वेंसी हर पर्सन के साथ रेजोनेट करेंगी ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। बट कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। बट ये भी बोल सकता हूँ कि इसके साथ आपका 100% रेजोनेट भी कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी कि आपके अंदर का माहौल यानी कि आपके परमात्मा का माहौल कैसा है, इसके ऊपर ये डिपेंड हो रहे हैं। और ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, यानी कि लड़कों के लिए रीडिंग या फिर लड़कियों के लिए रीडिंग, ऐसे कोई रीडिंग नहीं होता है। यहाँ पे सोल बेस्ड रीडिंग होता है। सोल बेस्ड रीडिंग मतलब क्या है कि सोल जो चाहते हैं उसके रीडिंग, मतलब आपके पार्टनर चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, जो भी है, आपके पार्टनर जो फील करे वो रीडिंग मैं लेके आ रहा हूँ। उसके साथ साथ चैनल मैसेजेस भी रहेगा और उसके साथ साथ ओरेकल का मैसेज यानी कि लव ओरेकल, ट्विन फ्लेम हो या फिर कार्मिक मैसेज हो या फिर सोलमेट मैसेज हो, ये मैसेजेस आपको मिल जाएगा। लेट्स जस्ट सी इट। चलिए, सो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी। एस ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू गेट। एस ऑफ शोर्ट्स, वाओ, सिक्स ऑफ कॉइंस। देखो ये कार्ड देख के तो मेरे को ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, वो कुछ मेमोरीज के बारे में याद कर रहे हैं। हो सकता है वो बहुत याद कर रहे हैं आपको, इसीलिए आप भी उसको याद कर रहे हो। हो सकता है कोई मेमोरीज जो स्पेंड किए थे आप एक साथ, हो सकता है उसका तबीयत खराब था, वो भी रिकवर कर रहे हैं मेरी तरह, और वो इस टाइम पे आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है वो और आपके शादी के बारे में वो सोच रहे हैं। जी हाँ, ये सब शॉर्ट्स मतलब क्या है कि वो क्लियर तो क्लैरिटी तो दे देंगे। हो सकते हैं वो नाखुश थे बट अभी उसका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन बहुत अरसे के बाद आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अरसे के बाद वो आपको फील कर पा रहे हैं, आपके पेन को फील कर पा रहे हैं। और मैं ये भी बोलूँगा, पहले वो चीज़ों को ना अपने तरीके से देखते थे, अभी वो आपके नज़रिए से ये चीज़ों को देखते हैं। एस ऑफ कप्स जिसका मतलब है नया लव, नया एहसास, नया ब्लेसिंग्स, नए बिगनिंग। ऐसा एक पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप अभी अभी मिले हो, ये कोई भी ज़ोडियक साइन के लिए हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप अभी अभी मिले हो सकता है इस पर्सन के साथ आप जुड़े तो हो बट ये पर्सन आपको कभी भी प्रपोज नहीं किया। हो सकता है इस पर्सन को आप बे इंतहा मोहब्बत करते हो बट अभी भी आपके मन का बात आप उस पर्सन के सामने लेके नहीं आ पाए। हो सकता है ये आपके सीक्रेट क्रश हो बट आप इसको रब मानते हो। हो सकता है ये पर्सन आपके बॉयफ्रेंड या फिर पार्टनर तो है ही बट उसके सामने आप कभी भी ये एहसास नहीं जताया कि उसको कितना प्यार करते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्सन के ऊपर आपको बहुत उम्मीद था, वो छोड़ के चला गया बट आपको अभी भी लगता है कि नहीं, वो ख़त्म नहीं है, मतलब नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बात बंद हो गया था, रिलेशनशिप पे ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था, वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग। या फिर एक नए पर्सन जिसके साथ आप अभी अभी मिले हो, ये क्रश हो सकता है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड के फ्रेंड हो सकता है, यहाँ तक कि आप नॉर्मल फ्रेंड हो, एक ऐसे सिचुएशनशिप में आप थे 4-6 महीना या फिर 1 साल, वहाँ से सिचुएशन टर्न करे आपके फेवर में। बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा हो सकता है,
लगभग वो भी कंफ्यूज था, आप भी कंफ्यूज थे, अभी कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। अभी दोनों को ही यूनिवर्स एक साथ लेके आ रहे, आप लोग मिल सकते हो रास्ते पे। वो भी अगर आप मान लो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, वो आपके शहर में है, ये आपको पता भी नहीं था, अचानक उसका और आपका मुलाकात हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो आपको ना बोलते हुए आपके शहर में आया था शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, वो चला भी गया, बट वो आने के बाद उसको पता चला कि वो आपको मिस कर रहा है, तो वो फिर से कॉन्टेक्ट करेगा, फिर से आने का प्लान कर सकता है। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो और आपके बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है। मान लो आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहे थे और आपको ये चीज पता था, बट अभी आप उसको सवाल जवाब करना स्टार्ट करेंगे, बैठक हम बोलते हैं, ऐसे बैठक होने वाला है, आप उसको क्लियरली बोलेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो आपको छोड़ देना पसंद करेंगे या फिर क्या वो आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पार्टनर को छोड़ भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, तो आप अटक गए, लाइक लिटरली आप स्टक हो गए किसी किसी के लिए, स्पेशली अगर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ आपको। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर आपके पार्टनर एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन है, या फिर आप के पार्टनर आपको कुछ बोलने के लिए आपको वेट करा रहे हैं कि हाँ वो आपको कुछ बोलेगा, यस हो या फिर नो हो, ये कुछ बोलेगा और आप कुछ उसके कुछ आंसर्स के लिए वेट कर रहे हो, तो ये आंसर्स आ रहा है, बहुत ही जल्दी आ रहा है, सितंबर के अंदर आ सकता है, 6 घंटे के अंदर आ सकता है या फिर 6 दिन के अंदर आ सकता है, बट जरूर आएगा। जहाँ पे प्यार होगा, मोहब्बत तो होगा ही, बट देखो प्यार मोहब्बत से तो पूरा जिंदगी आप नहीं बिता सकते हो, जिंदगी बिताने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बहुत जरूरत है, तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्स ऑफ कॉइन्स का और भी एक मतलब है, जिसका मतलब है गुड कर्मा। शायद आप बहुत अच्छे से उसको प्यार किए हो, यूनिवर्स ने आपको बहुत टेस्ट किया, दूसरे पर्सन को आपके लाइफ में भेजा, बट आप सब पर्सन को नो बोलती है, किसी भी प्रोवोकेशन पे आप आगे नहीं बढ़े हो, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ये पर्सन को गिफ्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉयल्टी बढ़ेगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, दोनों को प्यार बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा, एक दूसरे को दूसरे के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा फील करोगे। ओवरऑल मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि उसका फीलिंग्स आपके ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लॉयल हो रहे हैं, दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अभी देखूंगा कि ओरेकल क्या बोल रहा है, ओरेकल आपको क्या मैसेजेस दे रहा है, रिलेशनशिप का डायमेंशन क्या होगा इन द फ्यूचर। वाओ, सून का कार्ड आया है, बहुत ही जल्दी कुछ मैसेजेस होने वाला है। अगर आप लोग कुछ लव मेकिंग के लिए वेट कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी के लिए वेट कर रहे हो, कोई भी एनकाउंटर के लिए वेट कर रहे हो, पॉजिटिव माइंड लेके फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है, या फिर जस्ट कैजुअल मीटअप हो सकता है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो बहुत जल्दी कुछ आपको खुलासा होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लव मैसेज, तो कुछ लव मैसेज आप रिसीव करोगे आपके पार्टनर के पार्टनर से बहुत ही जल्दी, या फिर किसी किसी के लिए प्रपोजल भी है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि प्रपोज पे वो हाँ बोल दे रहे हैं बहुत ही जल्दी। किसी किसी के लिए देख सकता हूँ कि बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे आपके पार्टनर कब आपके पास वापस आए, कब आपको एफर्ट देना स्टार्ट करे, कब आपके लिए वो कुछ करे, कब आपको वो प्रपोज कर दे, कब आपके साथ कमिटेड हो जाए, तो इसके लिए सून कार्ड आ गया है। सो लव मैसेजेस विद कमिटमेंट, ये सून हो सकता है। वाह, नथिंग टू वरी अबाउट, मैंने बोला ही था, हो सकता है ब्रेकअप हुआ था, हो सकता है नेगेटिव चल रहा था, बहुत अकेले महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आप खो दिए हो, बट आप इस कार्ड को अच्छे से देख सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट, यानी कि आपको चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल अपने अंदर फोकस कीजिए, आपके अंदर ही पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए।
वाओ साचा ब्यूटीफुल कार्ड मैरिज। मैं तो खुश हो गया, मेरे अभी तबीयत खराब भी था बट भी देखो कितना खुश लग रहा है मेरे को। मैरिज का कार्ड है, थैंक यू जय माँ काली, मैरिज का कार्ड आ गया। मैंने बोला ही था कि बहुत जल्दी मैरिज प्रपोजल आ रहा है, बहुत जल्दी आपके पार्टनर मिरेक्युलसली चेंज हो जाएगा, उसका करंट फीलिंग्स भी यही बोल रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज अ इंडिकेशन ऑफ मैरिज, इज अ इंडिकेशन ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप, इज एन इंडिकेशन ऑफ गेटिंग टुगेदर। चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, मैरिज मतलब कि हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो चाहे आप कोई कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, मैरिज का मतलब है जो लोग मैरिज के लिए अलाउड है तो ये उन लोगों के लिए मैरिज, जो लोग अलाउड नहीं है तो उन लोगों के लिए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आ जा रहा है। तो बिना चिंता करके आप खुश रहिए, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। अभी देख लेता हूँ पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, राइट, मैसेजेस तो बनता ही है, राइट। तो कार्ड्स को अलग अलग करके रख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसा कैसा कार्ड आ रहा है। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, अभी मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो पहला कार्ड आया द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि आप अगर सोच रहे हो कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, आप अगर सोच रहे हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शायद आप ही उनके लिए बहुत ज्यादा रोए हो, आप ही उनके लिए बहुत ज्यादा किए हो, वो कुछ नहीं किया है, वो फील तक नहीं करता है, नहीं आप गलत हो। वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमेशा हरियाली जो है ना उस साइड से ही बहुत ज्यादा गहरा लगता है, बट ऐसा नहीं है। उनके लाइफ में भी डार्क फेज चल रहा था, वो भी मिस कर रहा था, वो भी आपको सेम तरीके से ही चाहता था, वो भी आपसे बात करना चाहता है, वो भी सब कुछ फील किया है जो आप फील किए हो, बट आपको ये चीज पता नहीं था। वाओ देखो कितना अच्छा मैसेज, आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ, यानी कि वो चाहते हैं कि अभी इसी वक्त आप दोनों एक साथ होते, आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते, आप दोनों एक साथ कुछ अच्छा सा वक्त बिताते। वाओ मिस कर रहे हो, आपको इमोशनल हो रहे हो, आपको लेकिन मेमोरीज को याद कर रहे, मैंने बोला भी था। I need more time to figure things out. देखो मैं देख सकता हूँ कि वो ये जो टाइम ले रहे हैं, ये टाइम अच्छे के लिए ही वो ले रहे हैं, क्योंकि वो आपके बारे में चिंता करता है, वो नहीं चाहते कि दोबारा वो सेम मिस्टेक रिपीट करे आपके साथ। आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो और वो बार बार रिस्क नहीं लेना चाहते, वो नहीं खोना चाहते आपसे, इसीलिए वो मैरिज के लिए डिसीजंस जब लेंगे तो टाइम थोड़ा सा टाइम लेंगे बट डिसीजंस बहुत जल्दी लेंगे। Let's see. और क्या क्या मैसेजेस आते हैं उसके परमात्मा की तरफ से। No other compares to you, यानी कि कोई और आपके जैसा नहीं है, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि उसके नजर आप ही के ऊपर है। स्पिरिट मेरे को मदद कीजिए, स्पेशली माय सब्सक्राइबर्स के जो भी पार्टनर्स है, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, उनके तरफ से लास्ट थ्री कार्ड्स देके मेरे को मदद कीजिए, स्पिरिट्स मदद कीजिए थ्री कार्ड्स देके। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, यानी कि वो आपको बोल रहे हैं, फर्स्ट कार्ड आया स्पिरिट की तरफ से, कि आप उनके लिए स्वर्ग हो, स्वर्ग यानी कि इस धरती में उनके लिए आप स्वर्ग हो। कितना प्यार करने के बाद लोग ये चीज कहते हैं, तो वो आपको बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं। और दो कार्ड देख लेता हूँ, स्पिरिट और दो कार्ड्स दे दीजिए। एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट, यानी कि वो आपको बोल रहे हैं कि जब से वो आपसे मिले हैं कोई और उस लायक नहीं है, आपके मतलब आपके जैसा कोई और नहीं है। सो वो बार बार आपको मतलब आपके बारे में सोचता रहता है, और वो ये भी सोचता रहता है कि कोई और पर्सन क्यों नहीं आया उसकी नजरों में,
कि वो आप ही हो हमेशा, क्यों आप ही अटक जाते हो हमेशा, क्यों वो आपको छोड़ के नहीं जा पाते। और लास्ट कार्ड, वाओ, यू मीन अ लॉट टू मी, इट्स अ क्लियर कट कार्ड दैट आप उनके लिए सब कुछ हो, एंड कर्मा इज दिस वर्ड, आई फाइनली गॉट माई नेम, यानी कि उसके बैड कर्मा का असर उसको हो रहा है, वो आपको छोड़ के गया था, या फिर आपको झूठ बोला था, या फिर आपको कुछ छुपाया था, जिसका असर आ रहा है उसको, उसको वो भुगत रहा है उसका बैड कर्मा, और इसीलिए वो उसका खराब जो भी आउटकम है उसको मिला। एंड आई थिंक उसको अभी ये रियलाइज हो गया कि उसको वो खराब काम किए थे, अभी वो सेम टाइप के नेगेटिव काम और नहीं दोहराएंगे, तो इसीलिए आपके साथ वो वापस भी आएंगे, मैरिज के लिए प्रपोजल भी करेंगे, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी दे देंगे, चिंता मत कीजिए। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम, बाय बाय।